हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माउस पॉइंटर के कुछ सेटिंग के बारे में, जो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसका यूज करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो हम जानते हैं माउस पॉइंटर की सेटिंग कहाँ पे मिलती है। तो माउस पॉइंटर के सेटिंग को ओपन करने के लिए आपको नोटिफिकेशन एरिया पर राइट साइड में जाना है। यहाँ पर ये नो नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग का लिस्ट खुलेगा। ऑल सेटिंग में जाना है। इसका एक शॉर्टकट की भी है, विंडोज़ के साथ अगर आप ए प्रेस करते हैं तब भी वो सेटिंग खुल के आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन एरिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा लिस्ट खुलेगा सेटिंग का, तो इसमें हमें जाना है ऑल सेटिंग पे। ऑल सेटिंग में जाने के बाद ईज़ ऑफ एक्सेस की सेटिंग पे जानी है, एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में इस लिस्ट में माउस पॉइंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद ये माउस पॉइंटर की कुछ सेटिंग आई है, इसको मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे चेंज पॉइंटर साइज़। तो पॉइंटर साइज़ क्या है, ये जो माउस पॉइंटर आपको दिख रहा है ये छोटा सा है अभी, इसके साइज़ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको देखने में दिक्कत है, दिखता नहीं है आपका पॉइंटर कभी इधर उधर चला जाता है, तो इसके साइज़ को आप एक बार इंक्रीज़ कर लीजिए। यहाँ से अभी अगर देखेंगे तो पॉइंटर की जो साइज़ है एक नंबर पर है, यहाँ से हम इंक्रीज़ कर लेंगे। जितना इंक्रीज़ करेंगे उतना बड़ा ये पॉइंटर का साइज़ हो जाएगा। इसके साइज़ को हम मीडियम कर देते हैं फ़िलहाल, अपडेट करने के लिए फ़िलहाल हम रखते हैं 7 पे, ठीक है, ये साइज़ मेरे लिए बेटर है। अब यहाँ पे चेंज पॉइंटर कलर का ऑप्शन है। चेंज पॉइंटर कलर में क्या है, तो नॉर्मली जो है वाइट है, हम चाहें तो ब्लैक में भी रख सकते हैं इसके पॉइंटर को। देखिए अभी ये टोटली ब्लैक हो चुका है। अब इसके बाद जो ऑप्शन है ये ट्रांसपेरेंट का होता है, इन्वर्टेड होता है, मतलब इसके पीछे अगर कोई टेक्स्ट आएगा तो वो भी दिखेगा, इसके पीछे कोई टेक्स्ट होगा तो वो भी दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट होता है एक तरह से। अब यहाँ पे कुछ कलर का ऑप्शन है, तो कलर पे जाइए, क्लिक कर दीजिए। यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप यहाँ से पॉइंटर के लिए ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये कलर ले लेते हैं। देखिए जो पॉइंटर का कलर है, साइज़ के साथ में अब कलर भी चेंज हो गया। अब पॉइंटर के कुछ एडिशनल सेटिंग के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में एडिशनल माउस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक बार इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ सेटिंग है, इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला है सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन। अब जैसे जो हमारा कीबोर्ड सॉरी माउस का जो राइट बटन है वो पॉपअप लिस्ट लाने के लिए काम आता है, और जो लेफ़्ट क्लिक होता है वो किसी भी फाइल फोल्डर को मूव करने के लिए, या फिर सेलेक्ट करने के लिए, या फिर ओपन करने के भी काम आता है। तो आप चाहें तो यहाँ से प्राइमरी बटन को सेकेंडरी और सेकेंडरी बटन को प्राइमरी में भी बदल सकते हैं। प्राइमरी का मतलब यहाँ लेफ़्ट बटन है और सेकेंडरी का मतलब राइट बटन है, ठीक है। ये लेफ़्ट है, अगर आप राइट कर देते हैं तो अब जो आपका पॉइंटर है ये अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो राइट का काम करेगा, और राइट क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट का काम करेगा। ये यहाँ से सेटिंग होती है। अब यहाँ कर्सर की स्पीड है, अभी नॉर्मल जो स्पीड है हमारी इतनी पे है, मीडियम में है। अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी, आप काफ़ी तेज़ी से ये काम करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। फिलहाल हम इसको मीडियम पे ही रखते हैं, ठीक है। और ये सेटिंग है वन स्क्रीन एट अ टाइम। तो इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए आप एक बार। जैसे हम कोई भी पेज ड्रैग करते हैं, अप डाउन करते हैं, किसी भी पेज को ऊपर नीचे की तरफ करते हैं, तो एक एक स्क्रीन क्या होता है, स्क्रॉल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक एक स्क्रीन स्क्रॉल होगा, एक एक स्क्रीन स्क्रॉल होगा। फिलहाल ये काफ़ी जो लेंथ में नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके स्क्रॉल हो रहा है, एक एक स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मल्टीपल लाइंस एट ए टाइम, मतलब मल्टीपल लाइन एक ही बार में क्या हो, ड्रैग हो, तो ड्रैग करने के लिए आप एक बार इस पर क्लिक कर लीजिए, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से स्पीड को बढ़ा दीजिए। जैसे चूज हाउ मेनी लाइंस टू स्क्रॉल इस टाइम, इसके लाइन को आप बढ़ा दीजिए। अगर आप बढ़ाएंगे तो एक बार में काफ़ी लाइनें स्क्रॉल कर जाएंगी। इसे देखिए एक बार मैं यहाँ पर चल के करता हूँ ड्रैग। अब देखिए एक ही बार में काफ़ी लाइनें जो हैं एक बार में ड्रैग हो जा रही हैं, काफ़ी ड्रैग हो जा रही हैं। ऐसे वन स्क्रीन पे करेंगे तो धीरे धीरे जो है स्क्रॉल होगा, और मल्टीपल लाइंस कर देंगे तो एक ही बार में काफ़ी लाइनें जो हैं वो ड्रैग हो जाएंगी। तो फिलहाल इसकी स्पीड को भी हम कम कर देते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं, वन स्क्रीन एट टाइम, नॉर्मल ऐसा ही होता है। ये क्या चीज़ है, स्क्रॉल इनएक्टिव विंडोज़ व्हेन आई हावर ओवर देम, ये ऑप्शन क्या काम करता है, तो इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे
ये दो विंडो खुला हुआ है, सपोज एक यहाँ पे खुला हुआ है और इसके नीचे खुला हुआ है। सपोज ये दो विंडो खुला हुआ है, तो दो विंडो खुला हुआ है तो अगर आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ तो नीचे वाला विंडो ड्रैग होगा, ऊपर आकर के ड्रैग करेंगे तो ऊपर वाला विंडो ड्रैग होगा।